रोजाना यूपी चुनाव का अपडेट जानने के लिए क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए जानते हैं आज की 10 बड़ी खबरों को। यूपी चुनाव में खुद जीतेंगे या दूसरे का खेल बिगाड़ेंगे, भाजपा सपा और बसपा के बागी बन रहे मुसीबत। बड़े अरमान थे, लंबे संघर्ष व काम के बाद पार्टी का टिकट मिलेगा, पर गठबंधन की सियासत ने खेल बिगाड़ दिया। हालात कुछ ऐसे बने कि पहले के दावेदार नकार दिए गए और बाहर से आए लोग प्रत्याशी बन गए। कुछ ऐसे जुगाड़ लगाने में कामयाब रहे कि रातों रात प्रत्याशी बन गए। ऐसे में टिकट कटने से क्षुब्ध नेता तीखे तेवर में दिखाई दे रहे। कुछ तो कह रहे हैं कि दूसरे को टिकट देने के पार्टी के नेतृत्व के फैसले को वे गलत साबित कर देंगे। बात इतनी भर नहीं है, सबक सिखाने के लिए बगावत का झंडा उठाए ऐसे लोग अभी आज छोटे दलों के जरिए मैदान में कूद गए हैं या फिर निर्दलीय ही ताल ठोक रहे हैं। कुछ ने एन वक्त पर बसपा से भी टिकट का इंतजाम कर लिया है। अब सवाल यह है कि यह विद्रोही खुद चुनाव जीतेंगे या मूल दल के प्रत्याशी का खेल बिगाड़ देंगे। यही चिंता उन लोगों की है जिन पर नेतृत्व ने भरोसा जताकर मैदान में उतारा है। मुरादाबाद से एक वर्तमान विधायक का टिकट कटा तो उसने पहले तो आगे पार्टी का आलाकमान के आगे नाराजगी जताई। नेतृत्व ने उन्हें पार्टी के लिए फिलहाल त्याग करने की सलाह दी, साथ ही आगे अच्छी जगह एडजस्ट कराने का भरोसा दिलाया। सपा और बसपा हाशिए पर, कांग्रेस दूरबीन से भी नहीं दिखती। शाह का पीलीभीत में विपक्ष पर हमला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीलीभीत में भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशियों के पक्ष में प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया तो विपक्ष खास तौर पर सपा पर साधा निशाना। अमित शाह ने विशाल जनसभा में कहा कि अब तक हुए 3 चरणों में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी हाशिए पर है, कांग्रेस दूरबीन लेकर भी दिखाई नहीं पड़ रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के मैदान में अमित शाह लगातार विपक्ष पर निशाने साध रहे हैं। मंच से अमित शाह ने भाजपा सरकार की उपलब्धियों को गिनाया, कहा कि बीजेपी सरकार ने यूपी में 5 सालों में गरीब कल्याण के लिए बेहतर काम किया है व लॉ एंड ऑर्डर को सुधारा, इसके कारण पूरे यूपी में बीजेपी की लहर है। 7वें चरण तक आते आते ये लहर सुनामी में बदलने वाली है। उन्होंने कहा कि हजारों सालों तक ब्राह्मणों की तपस्थली रही इस नैमिष की पावन भूमि पर उपस्थित जनता जनार्दन को मैं प्रणाम करता हूँ। बीजेपी नेता नरेश अग्रवाल ने शिवपाल यादव को दिया बड़ा ऑफर। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 3 चरण पूरे हो चुके हैं। जहां एक ओर भाजपा एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुकी है, तो वहीं दूसरी ओर सपा भी जनसभाओं और तस्वीरों के माध्यम से पूरे परिवार को एकजुट दिखाने का प्रयास कर रही है। अखिलेश यादव के लिए करहल में शिवपाल यादव समेत पूरा यादव परिवार एक साथ दिखा। अब आगे के चरणों के लिए सपा ने शिवपाल यादव को स्टार कैंपेनर घोषित किया है, लेकिन इस पर पुराने सपाई और फिलहाल भाजपा नेता नरेश अग्रवाल ने शिवपाल यादव को भाजपा में आने का न्योता दिया है। उन्होंने कहा है कि हम उनको मुलायम सिंह की विरासत का असली वारिस बनाएंगे। नरेश अग्रवाल ने एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान ये बात कही। उन्होंने कहा कि हालांकि आजकल युवा जल्दी बालिग हो गए हैं, लेकिन मैं जहां तक देख पा रहा हूं कि यूपी में फिर से प्रचंड बहुमत से भाजपा की सरकार बन रही है। अरविंद केजरीवाल की गोरखपुर, संत कबीर नगर व बस्ती में जनसभा आज। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मंगलवार को पूर्वांचल दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वह सबसे पहले सुबह 10 बजे सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज में जनपद की पार्टी प्रत्याशी के पक्ष में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इसके बाद वह संत कबीर नगर के खलीलाबाद और बस्ती जिले के रुधौली में भी रैली करेंगे। यह जानकारी आम आदमी पार्टी के दिल्ली के विधायक अखिलेश मणि त्रिपाठी एवं प्रदेश महासचिव दिनेश सिंह पटेल ने दी। वह गोरखपुर में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री केजरीवाल का काफिला गोरखपुर एयरपोर्ट से सुबह 9:30 बजे निकलकर सड़क मार्ग से गोरखपुर शहर के कूड़ा घाट, मोहद्दीपुर विश्वविद्यालय चौराहा, गणेश चौराहा, इंदिरा तिराहा, टाउन हॉल चौराहा, शास्त्री चौक होते हुए सहजनवा के मुरारी इंटर कॉलेज पहुंचेगा, जहां वह चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। ओम प्रकाश राजभर हाथी से सफर की शुरुआत, अब साइकिल पर है सवार, जाने क्या है उनकी ताकत। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चित चेहरा बन चुके हैं। ये ऐसे नेता हैं जिन्होंने टेम्पो चालक से उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री तक का सफर तय किया। बड़े लक्ष्य के बूते बगैर किसी संसाधन के अपनी पार्टी खड़ी की राजभर अब उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों के नेता के रूप में पहचान बनाने की जुगत में है। उनका दावा रहता है कि पूर्वांचल के साथ ही अवध की सीटों पर अति पिछड़ों को प्रभावित करने की उनमें क्षमता है। राजभर ने इस बार चुनाव में सपा के साथ गठबंधन किया। सपा ने उन्हें 18 सीटें दी है। भाजपा से रिश्ता तोड़ने व मंत्री पद छोड़ने के बाद से ही राजभर अपने मुद्दों को लेकर लगातार मुखर रहे।
ओबीसी आरक्षण में बंटवारे के लिए सामाजिक न्याय समिति की सिफारिशों को लागू करने के लिए हर स्तर पर संघर्ष की मुद्रा में है। ये जातीय जनगणना मुफ्त शिक्षा, शराबबंदी जैसे मुद्दों को लेकर वह जनता के बीच है। राजभर की राजनीतिक ताकत का एहसास सपा के साथ भाजपा को भी है। प्रदेश में जब चुनाव के लिए गठबंधन का दौर चल रहा था उस समय भाजपा की तरफ से कई बार अपने साथ लाने की कोशिश की गई थी पर बात नहीं बनी। AIMIM का पिछली बार नहीं खुला था खाता, इस बार ओवैसी 103 सीटों पर आजमा रहे किस्मत। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 में सियासी उलटफेर के इरादे से उत्तरी ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM इस बार 103 सीटों पर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। पार्टी ने इस बार 19 हिंदू प्रत्याशियों को भी मैदान में उतारा है। AIMIM ने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने 38 प्रत्याशी मैदान में उतारे थे लेकिन एक भी सीट पर उसे जीत नहीं मिली थी। बहुजन समाज पार्टी का दामन छोड़कर अपना अलग दल जन अधिकार पार्टी बनाने वाले बाबू सिंह कुशवाहा ने इस बार AIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी से हाथ मिलाया है और भागीदारी परिवर्तन मोर्चा बनाया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारने की घोषणा की थी और वह नए बने मोर्चे के साथ अपने कदम बढ़ा रहे हैं। यूपी विधानसभा चुनाव में AIMIM अब तक अपने उम्मीदवारों की 14 सूची जारी कर चुकी है जिनमें कुल 103 प्रत्याशियों के नाम शामिल है। सीएम योगी का बड़ा ऐलान, पुजारियों के कल्याण के लिए बनेगा बोर्ड, संस्कृत शिक्षकों की होगी तैनाती। यूपी विधानसभा चुनाव के चौथे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार का शोर सोमवार को ही थम गया। इससे पहले योगी आदित्यनाथ ने बड़ा वादा किया। सीएम योगी ने कहा कि हमने तय किया है कि बुजुर्ग संतों और पुजारियों के कल्याण के लिए पुरोहित कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, संस्कृत के अध्यापकों की तैनाती की जाएगी और संस्कृत के छात्रों को स्पेशल स्कॉलरशिप दी जाएगी। रायबरेली में सीएम योगी ने कहा कि हम सुरक्षा, सम्मान और विकास की गारंटी देते हैं। सरकार बनने के बाद होली और दिवाली में एक एक सिलेंडर मुफ्त दिया जाएगा। किसानों की फसल बर्बाद नहीं होने दी जाएगी। युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जाएंगे। अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते हुए सीएम योगी ने कहा कि 5 साल में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ। अखिलेश यादव का चित्रकूट दौरा, आज सदर और मानिकपुर सीट की संयुक्त जनसभा को करेंगे संबोधित, दोनों प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। चित्रकूट में पूर्व सीएम अखिलेश यादव मंगलवार यानी आज जनसभा करेंगे। जिले की दोनों विधानसभा सीटों के प्रत्याशियों को जिताने के लिए रैली में हुंकार भरेंगे। इसके अलावा सीएम योगी की 25 जनवरी को जनसभा हो सकती है। सपा ने सदर विधानसभा क्षेत्र से अनिल प्रधान और मऊ मानिकपुर सीट के पूर्व विधायक वीर सिंह पटेल को प्रत्याशी बनाया है। आज उन्हीं के लिए प्रचार प्रसार करने अखिलेश यादव आ रहे हैं। जिला अध्यक्ष अनुज यादव ने बताया जनसभा पुलिस लाइन खो के पास स्थित मैदान में होगी। अभी तक के तय कार्यक्रम के मुताबिक पूर्व सीएम अखिलेश यादव हेलीकॉप्टर से मंगलवार को सुबह 10:30 बजे लखनऊ के प्रयागराज पहुंचेंगे। करछना में जनसभा के बाद दोपहर 1:10 पर पुलिस लाइन के पास बने हेलीपैड पर उतरेंगे। इसके बाद 2 बजे सिराथू कौशंबी के लिए रवाना होंगे। इसके लिए सपाइयों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आपको बता दें कि यही जगह है जहां पहली बार अनिल प्रधान अखिलेश यादव से मिले थे। 2012 में अखिलेश यादव जनसभा करने पुलिस लाइन के बगल में आए थे। वहीं पहली बार अनिल प्रधान और अखिलेश यादव की मुलाकात हुई थी। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रप्रकाश खरे ने बताया सीएम योगी चित्रकूट में दोनों विधानसभा के लिए संयुक्त रूप से पुलिस लाइन खो के पास के मैदान में 25 फरवरी को जनसभा कर सकते हैं। बदली बदली नजर आई मायावती, नहीं दिखी पहले जैसी आक्रामकता, हर वर्ग पर मरहम लगाने की कोशिश। प्रयागराज मंडल की 22 सीटों के लिए मतदाताओं को संबोधित करने आई पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का अंदाज सोमवार को कुछ बदला नजर आया। उन्होंने दूसरे दलों पर आक्रामक रुख अपनाने की बजाय हर वर्ग के जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश की। अब की बार मायावती का खास जोर युवाओं पर रहा। करीब 30 मिनट के भाषण में बसपा सुप्रीमो ने 5 बार से अधिक रोजगार की बात की। उन्होंने आरक्षण से लेकर युवाओं को डराया और समझाया तो साथ में रोजगार देने के नाम पर नौजवानों को साधा और रोजगार का किया वादा। दूसरे दलों के बेरोजगारी भत्तों पर तंज कर उन्होंने युवाओं की तालियां बटोरी। कहा भत्ते से काम नहीं चलेगा, हम सबको रोजगार देंगे। मायावती ने युवाओं के सपने साकार करने का वादा किया तो जोश भरी तालियां गूंज उठी। मायावती ने अपने भाषण में कोरोना का दंश याद दिलाकर युवाओं को भरोसा दिलाने की कोशिश की। कहा गलत नीतियों से यूपी के युवा पलायन करने को मजबूर होते हैं, बसपा उनकी परेशानियां समझती है। मायावती ने 9 जनवरी को लखनऊ की अपनी बैठक की याद दिलाई। कहा हमारी जीत सेक्टर विधानसभा और बूथ कमेटी से होगी, युवाओं की मेहनत रंग लाएगी। सूबे में अपराध के मुद्दे को भी मायावती ने छुआ। कहा हमारी सरकार में गुंडे माफिया जेल में थे।
आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव का ताजा ओपिनियन पोल। किस बार यूपी में किस पार्टी की बन सकती है सरकार? इस बार उत्तर प्रदेश में काफी बड़ा उलटफेर हो सकता है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि क्या योगी आदित्यनाथ दोबारा से मुख्यमंत्री बन सकते हैं या फिर बाजी पलट देंगे सपा प्रमुख अखिलेश यादव। 2022 का चुनाव काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, इसीलिए सभी की निगाहें यूपी पर है। आइए जानते हैं कि जनता कितनी फीसदी किस पार्टी को पसंद कर रही है। सबसे पहले बात करेंगे बीजेपी की। बीजेपी को यहाँ पर जनता 41% पसंद कर रही है। बात करेंगे समाजवादी पार्टी की, तो समाजवादी पार्टी को जनता यहां पर 32% पसंद कर रही है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को यहां पर जनता 12% पसंद कर रही है। वहीं बहुजन समाज पार्टी को यहां पर 24% जनता पसंद कर रही है। अब आप हमें कमेंट के माध्यम से अपनी राय जरूर दें कि कौन सी पार्टी उभर कर सामने आ सकती है। आपकी राय हमारे लिए बेहद जरूरी है।